Hello everyone, welcome back. And we were continuously doing the Italian phrase of Geoffrey Chaucer. So last class में हमने उसका Italian phrase को complete किया था. Now let's begin the next and last phrase of English phrase of Geoffrey Chaucer. English phrase of Chaucer. So Geoffrey Chaucer का English phrase था, that is 1399 till यहाँ तक था. So Geoffrey Chaucer क्या English phrase है, उसमें सिर्फ उसका एक जो mega work है वो आता है, और वो है the Canterbury Tales. Canterbury Tales. So it is written maximum 1695 till माना जाता है इसका publication, इसका जो composition date है that is. So Canterbury Tales है, इसको यहाँ जिस आज की क्लास में सिर्फ इसका intro जो basic information है या introduction है उसको complete करेंगे, ठीक है. So सबसे पहले जो Canterbury Tales है, ठीक है, it is the collection of 24 stories. It is the collection है ये, कितनी stories का, 24 stories. ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो इस पोइम जो कंटेम्पररी टेल्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स दैट इज इंस्पायर्ड बाय बुकेसियस का वर्क था डेकमेरन. यहाँ से इंस्पायर है, ठीक है. कंटेम्पररी टेक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है लिखने का, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुकासियोस डेकमेरन. ओके, नाउ यहाँ जो कंटेम्पररी टेक्स है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द 24 स्टोरीज. ओके, सो यहाँ जो पिलग्रिम्स होते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, 29 पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स का ग्रुप होता है, एंड दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू द लंडन टू द कंटेम्पररी टेल्स द श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट. तो वहां वो विजिट कर रहे हैं सभी जो ये जो पिलग्रिम्स होते हैं वो. सो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि ये कलेक्शन कितने का है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज. ओके, और यहाँ कितने पिलग्रिम्स थे, तो पिलग्रिम्स 29 थे, लेकिन अगर कैरेक्टर पूछा जाए कि कैरेक्टर कितने थे, कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स 30 होएगा, क्योंकि 29 पिलग्रिम्स थे, 29 पिलग्रिम्स प्लस में वन नैरेटर. ओके, और अगर प्लस में वन इसमें होस्ट भी होता है हैरी बेली, तो अगर वैसे देखें तो क्योंकि कहीं कहीं इसमें 31 कैरेक्टर भी दे रखे हैं और कहीं 30 कैरेक्टर भी दे रखे हैं, ठीक है. तो अगर 31 30 दोनों दे रखे हो तो आपको 30 को टिक करना है, क्योंकि जो हैरी बेली होस्ट होता है ही डिसाइड टू यू नो सॉरी द ऑथर जो चोसर है जोफ्री चोसर ही डिसाइड टू राइट 120 स्टोरी 120 टेल. ओके, तो उसने डिसाइड किया था कि जो हर पिलग्रिम्स है दे आर गोइंग टू द श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट, उसकी श्राइन में सभी जो पिलग्रिम्स जाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल रिसाइट द स्टोरी. ईच पिलग्रिम्स है वो चार स्टोरी सुनाएगा, दो आते टाइम और दो जाते टाइम, ठीक है. तो ऐसे जो एक पिलग्रिम है वो चार स्टोरी सुनाएगा, तो टोटल अगर हम चार से अगर 30 को डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 4, देन ये 120 बनते हैं. तो कैरेक्टर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ आप 30 करोगे, 30 कैरेक्टर थे. अगर पिलग्रिम्स पूछे तो 29 थे, और कैरेक्टर पूछे तो 30 थे, ठीक है. क्योंकि अगर 30 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनते हैं, तो इसके हिसाब से कैरेक्टर 30 हुए. तो जो जो जोफ्री चोसर था ही डिसाइड टू राइट
120 कैश ओके ड्यूरिंग देयर जो ट्रेवलिंग और जो ट्रेवल करने जा रहे थे, तो उसने डिसाइड किया था कि एक पिलग्रिम्स है वो चार स्टोरी सुनाएगा, दो आते टाइम और दो जाते टाइम, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 24 स्टोरीज, ठीक है, लेकिन वो 24 स्टोरीज ही कंप्लीट कर पाए, ठीक है, सो ये 24 स्टोरीज है दैट इज रिसाइटेड बाय 29 पिलग्रिम्स, ठीक है, सो इसमें सबसे पहले 20 स्टोरीज कितनी थी, 24 स्टोरीज थी, 24 स्टोरीज, ठीक है, इसमें सभी स्टोरीज थी, इसमें 22 स्टोरीज थी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोइम, ठीक है, या राइम फॉर्म में थी वो, ठीक है, और 2 स्टोरीज थी दैट इज इन प्रोज फॉर्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 स्टोरीज थी जो प्रोज फॉर्म में थी, अब प्रोज फॉर्म में जो स्टोरी थी वो, और सबसे पहली स्टोरी 24 स्टोरीज में जो फर्स्ट स्टोरी टेलर था दैट इज नाइट, फर्स्ट स्टोरी टेलर था दैट इज नाइट, एंड लास्ट स्टोरी टेलर था, लास्ट जो स्टोरी टेलर होता है दैट इज पार्सन, सो यहां पार्सन की टेल थी वो थी प्रोज में, ठीक है, प्रोज स्टाइल में एक तो पार्सन की टेल थी एंड दूसरी जो टेल थी वो नैरेटर था, उसकी जो टेल थी वो भी प्रोज में थी, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जो दो टेल थी, क्योंकि इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रोज स्टाइल में है वो किसकी टेल थी, वो प्रोज स्टाइल में थी या टोटल कितनी टेल प्रोज स्टाइल में थी, तो यहाँ 22 टेल्स थी वो राइम फॉर्म में थी, मतलब वो पोएट्री में लिखी गई थी राइमिंग में, और यहाँ 2 टेल्स थी वो प्रोज में लिखी गई थी, मतलब ऐसे टाइप में या प्ले में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये जो प्रोज में लिखी गई थी वो एक तो लास्ट टेल थी जिसने पार्सन ने सुनाई थी जो स्टोरी वो प्रोज में थी, एक जो नैरेटर होता है, ठीक है, उसकी मतलब नैरेटर जो जोफ्री चोसर है उसकी टेल थी वो प्रोज स्टाइल में थी, ठीक है, सो यहाँ सेकंडली बात कर लेते हैं हम कि इसका प्रोलॉग है, कंटेंपरेरी टेल्स इट हैज आल्सो प्रोलॉग भी है इसमें, सो इट हैज प्रोलॉग आल्सो, प्रोलॉग, इसके प्रोलॉग में 27 जो पिलग्रिम्स हैं, पिलग्रिम्स दैट इज पोर्टर्स बाय चोसर, यहाँ सिर्फ 27 पिलग्रिम्स है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन इन द प्रोलॉग, ठीक है, तो क्योंकि टोटल जो पिलग्रिम थे वो 29 थे, तो यहाँ दो जो पिलग्रिम हैं वो रह जाते हैं जो प्रोलॉग में जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, और जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा वो है एक नन प्रिस्ट और सेकंड है सेकंड नन प्रिस्ट, ठीक है, सेकंड नन जिसको बोलते हैं, तो ये दो पिलग्रिम या दो कैरेक्टर थे जिसका डिस्क्रिप्शन है वो प्रोलॉग में नहीं दे रखा, ये प्रोलॉग में पोर्ट्रेट नहीं है, सिर्फ 27 पिलग्रिम्स है जो प्रोलॉग में जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, नाउ क्या होता है प्रोलॉग में, एक्चुअली प्रोलॉग स्टार्ट होता है कि ऑल द पिलग्रिम्स दे डिसाइडेड टू विजिट द श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट, तो यहाँ थॉमस बैकेट की श्राइन होती है, श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट की श्राइन का नाम क्या था, कंटरबरी, ठीक है, सो कंटरबरी था, और यहाँ होस्ट है, होस्ट उसका नाम था हैरी बेली, आपको याद रखना है ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, होस्ट द होस्ट, तो हैरी बेली इज द होस्ट ऑफ द स्टोरी, ओके, नाउ हैरी बेली है, ही डिसाइड दैट ऑल द पिलग्रिम्स फर्स्ट दे ऑल कलेक्टेड इन द इन, यहाँ इन होती है उसमें सभी पिलग्रिम्स है वो कलेक्टेड होंगे एंड फ्रॉम देयर दे विल ट्रेवल टू द कैंटरबरी टेल्स, सो हैरी बेली है ही डिसाइड दैट ईच पिलग्रिम्स है वो एक पिलग्रिम्स हर एक पिलग्रिम्स है वो चार स्टोरी सुनाएगा, दो जाते टाइम और दो आते टाइम, बट और जो स्टोरी टेलर जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसको बेस्ट
मिल से जो बेस्ट मिल है उसका प्राइज उसको मिलेगा, उसको उसको सबसे अच्छा भोजन खाने को दिया जाएगा, ये उसकी कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया गया था कि बेस्ट स्टोरी टेलर है, व्हाट इज द थिंग दैट इज गिवन टू द बेस्ट स्टोरी टेलर और बेस्ट स्टोरी टेलर, दैट इज द एलिगेंट मील। ठीक है, सो एलिगेंट मील, एलिगेंट मील दैट इज गिवन टू द बेस्ट स्टोरी टेलर। ठीक है, बेस्ट स्टोरी टेलर को अच्छा भोजन दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, तो ये स्टोरी थी जिसमें 27 पिलग्रिम्स है। ठीक है, इसका ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी सुनाना जो शुरू करता है, ठीक है, दैट इज नाइट, नाइट इज द पर्सन हु स्टार्ट इज दिस स्टोरी। सो जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है इसमें कंटेम्पररी टेलिंग, वैसे तो 24 स्टोरीज है मैंने आपको बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिस एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उसको यहाँ वन वन करके ईच एंड एवरी स्टोरी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंटेम्पररी टेल्स की नाइट की स्टोरी से। ठीक है,